लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये चार एडवांस टेक्निक दैट इज 33x3, 44x4, 77x7 एंड 55x5. आई नो 44x4 ये बहुत नया कंसेप्ट है लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये टेक्निक लेकर आई थी ये बताने के लिए कि आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ इस 44x4 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की. ये जो चार टेक्निक्स होती है ना, ये सबसे एडवांस टेक्निक होती है. अगर आप इन चारों दिन खुद को पॉजिटिव ज्यादा रख लेते हो, दिल से काम करते हो, तो ये टेक्निक्स कभी फेल नहीं होती. लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आजकल के लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए ये टेक्निक्स कर रहे हैं. आप ये बहुत गलत कर रहे हो, इसलिए अभी इसको मत करो. बहुत सारी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिससे आप छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो. अफर्मेशन बोल सकते हो, सबलिमिनल सुन सकते हो, यू नो विजुअलाइजेशन कर सकते हो, व्हाट इफ टेक्निक कर सकते हो. तो वहां मत जाओ. मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको रोक नहीं रही हूं, बट डियर, आप जब आप 4-5 दिन पे लग जाते हो, फिर आप फेल हो जाते हो, फिर आप सैड हो जाते हो. इसलिए जब आपको कोई लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन करना है, बड़ी बड़ी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना है, वो बड़ा सा घर चाहिए, वो बड़ी सी नौकरी चाहिए, लमसम मनी चाहिए मैनिफेस्ट करना है, स्किन एकदम प्योर बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, तब ही इन टेक्निक्स को करो. क्योंकि इन टेक्निक्स के साथ कोई और टेक्निक नहीं करी जाती. इन केस अगर आप 33x3 टेक्निक कर रहे हो, तो इसके साथ आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है. अगर आप इन चीजों के साथ नई नई चीजों को करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देते हो. 33x3 भी करना है, अफर्मेशन भी बोलना है, विजुअलाइजेशन भी करना है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, चीजों में इन्वॉल्व हो गए. अगर 33x3 कर रहे हो या 55x5 कर रहे हो, तो सिर्फ उसको ही करो और कुछ मत करो. एक बार में सिर्फ एक टेक्निक करो, अगर आप इन चार टेक्निक से मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो तो. मैंने बहुत सारे लोग के कमेंट्स रीड करे, 55x5 टेक्निक करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वो टेक्निक करी और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा. मैं मान ही नहीं सकती आपकी बात, क्योंकि ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव होती है, कभी फेल नहीं होती. इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं के लिए स्क्रिप्टिंग करो और दूसरी टेक्निक्स करो, इतनी बड़ी टेक्निक्स पे मत जाओ. लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ही आपको ये सारी टेक्निक्स को करना है, बिकॉज इट गिव्स मिरेकुलस रिजल्ट.